मामला अमृतसर दे एक वड़े सिख उद्योगपति नाल जुड़िया है, जिस नूं समय समय ते कुछ फिरकापरस्त लोकों वलों बार बार हाशिए ते लैदे अटैक कीता जा रहा है। अते ताजे मामले दी गल करिए तां जदों इह उद्योगपति दरगाह ते पहुंचिया तां कुछ शरारती अनसर वलों उसदी वीडियो बना सोशल मीडिया ते पासिक मुस्लिम भाईचारक सांझा नूं टाल आउण दा काम कीता गया है, जिथे मुस्लिम भाईचारे वलों तिखे शब्दां विच निंदा कीती गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, HSN न्यूज़। मेरा नाम जी भाई बलवीर सिंह कठियाली, अकाल खालसा दल नूं मैं बिलोंग करदा जी। अज एक सोशल मीडिया से वीडियो जी वायरल हुई है भी एक सिख उद्योगपति दरगाह के जाते हैं तो उन्होंने वीडियो वायरल करके तो जी घटना वापरी, इनू कितना देख रहे हो? हाँ, इनू तो इस तरह के जेड़े कमेंट करने वाले उन्होंने मतलब के समझना चाहिए भी हर बंदे की इज्जत जी हैगी है, हर बंदे की इज्जत करनी चाहिए है। तो इस तरह कमेंट कर करके नहीं किसी को बेइज्जत करना चाहिए। जे कोई गल हैगी तो बंदा जाके भी गल कर सकता अगले नाल। आम मतलब के पब्लिक दे विच चाहे सोशल मीडिया से कमेंट कर करके उन्होंने मतलब कि इदा बदनाम करना वो मतलब के हेठी करनी चाहिए। सिख मुस्लिम भाईचारे अजिहियां जिहड़ियां गल्लां ढा लाने की कोशिश कर दियां, किस तरह देख रहे हो? हाँ नहीं, सिख मुस्लिम ढाउन लाने वाली गल्लां जिहड़ियां ने वह भी वह लोग करते हैं जिहड़े अनजाण ने, जिहड़े ज्ञानहीन ने, जिहड़े गुरमत तो अनजाण ने, वह लोग ही मतलब के फिरका प्रस्त नूं मतलब के हवा देंदे ने। जिहड़े मनुख ज्ञानवान ने, गुरमत दे धारनी ने, वह कदे भी इदा फिरका प्रस्त नूं मतलब के हवा नहीं देणगे। वह सगों मतलब के हर गल नूं मतलब के बड़े प्रेम नाल करके मिटाण की गल करनगे। अजिहे लोकां ते कारवाई होनी चाहीदी। हाँ, जे कोई इदा मतलब के माहौल खराब करता मतलब के समाज का, इन्हां लोकां ते मतलब के जरूर कारवाई होनी चाहीदी है भी किसी दे तुसीं इंसान के खिलाफ क्यों कमेंट करते हो, क्यों मतलब के उन्हों हरासमेंट कर। मेरा नाम मुहम्मद यूसुफ मलिक है जी, हज कमेटी मैंबर पंजाब। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਬਕਰਾ ਈਦ, ਈਦ ਦੇ, ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਲਤ ਫਾਵਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਸ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना शाहिद अहमद, ऑल इंडिया उलमाए बोर्ड चेयरमैन। मैं आज जो है एक अहम मुद्दा का जो है सामने लेकर आना चाहता हूँ कि मैंने जो है सोशल मीडिया पे जो है एक वीडियो को देखा कि ये जो है हमारे सिख भाईचारा का बंदा जो है दरगाह पे गया तो किसी ने जो है शरारत की कि उसकी वीडियो बनाई और उसको जो है फिर सोशल मीडिया पर डाला कि भाई जे जो कोई एक सिख है और वो जो है वहाँ दरगाह पर जा रहा है, जबकि जो है ये भाईचारे को ख़राब करने वाली बातें हैं क्योंकि आपसी भाईचारा जो है पंजाब का आज से नहीं हमारे गुरुओं के ज़माने से जो भाईचारा है ये चला आ रहा है कि एक दूसरे को जो है मिलजुल कर जो है हम चलते हैं। इसी चीज़ को जो है हम ये बात को ध्यान करें कि अगर आपसी भाईचारे में मतभेद होता तो हमारे गुरु साहिबान जो है दरबार साहब की जो नीम है वो मियाँ मीर से ना रखवाते। सारी दुनिया जानती है कि गुरु साहिबान खुद इतनी पहुँची हुई हस्ती और उसके बावजूद मियाँ मीर से जो है दरबार साहब की नीम रखवाई, तो हमारे गुरुओं का, हमारे पीरों का, हमारे जो जितने भी जो है ऋषि मुनि आए सबका मोहब्बत का यही पैगाम था कि ए लोगों हम प्यार और मोहब्बत से रहें। इसलिए जो है सबके लिए अपना इख्तियार है कि कोई मुसलमान मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, चर्च जाए, मस्जिद जाए, इसी तरीके से हमारा हिंदू भाई या हमारा सिख भाई किसी दरगाह पे जाए या मस्जिद में जाए, उसका इख्तियार है, वो कहीं भी जा सकता है। तो इस तरीके से जो हरकतें करते हैं तो मैं प्रशासन से बेनती करता हूँ ऐसे लोगों को रोका जाए कि इस तरह की वो हरकतें ना करें और किसी के साथ जो है साथ में खिलवाड़ ना करें। ये किसी को बदनाम करने वाली बातें हैं, ये अच्छी नहीं है, ये समाज में बुराई फैलाती हैं। हमारी यही दुआ है कि परमात्मा हमारे जो भाईचारा है उसको बनाए रखे। सबका इख्तियार है कि अपनी जिंदगी को किस तरीके से वो जीए।